तो आज बैसाखी का पर्व है और कैनाल रोड पर खूबसूरत मेला जो है वो इस समय चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं और एक बार मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि वो आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। और देखिए लोग जो हैं वो ख़रीदारी करने के मकसद से भी यहाँ पर आ रहे हैं और खुद मेयर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, आज यहाँ पर मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया है, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? मेला ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और सभी व्यवस्थाओं के हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, सैनिटेशन के चेयरमैन अरुण खन्ना जी, स्वच्छ भारत के चेयरमैन गोपाल गुप्ता जी और सुभाष शर्मा जी हमारे सोशल जस्टिस के चेयरमैन, और पूरा जीएमसी का प्रशासन, उन्होंने यहाँ व्यवस्था बनाई है। आप देख रहे हो हर घाटों पे हमारे यहाँ लोग खड़े हैं, लोगों को सहायता कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग जगह पे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरी सिटी में एक वाइब्रेंसी लाई है और लोग भी देखो मेलों में कैसे जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और इस सब माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। और एक अच्छी पर्व की यही पहचान होती है कि लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और पर्व का लुत्फ उठाते हैं, वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है। सर, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का और टूरिज्म डिपार्टमेंट का आपसी जो तालमेल है वो किस प्रकार का है ताकि आगे इस तरह के इवेंट्स और ऑर्गेनाइज हो सके? देखो, आपने देखा हो चाहे नवरात्रे हो, उसमें भी काफ़ी वाइब्रेंसी रही है और आज आप यहाँ बैसाखी में देख रहे हैं, यहाँ भी काफ़ी जगहों पर प्रोग्राम रखे हैं। जम्मू शहर में कोई भी प्रोग्राम हो तो वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ही चलने चाहिए, क्योंकि एक ओरिएंटेशन जो है प्रॉपर वो मेयर के ऑफिस से ही होनी चाहिए जी। और बाकी जो एजेंसीज हैं उनको सहाय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए जी। और वही हो रहा है, आप देख रहे हैं, देयर इज़ अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स हु आर परफॉर्मिंग वेरी वेल विद देयर न्यू ओरिएंटेशन। और इससे जो हमारे काम हैं उसमें गुणवत्ता बढ़ जाती है और साथ में लोगों को भी एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ चीज़ें देखने को मिलती हैं। सर, बैसाखी की बात करें तो नहरों की सफाई एक मुख्य मुद्दा रहता है, तो क्या आपका डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट में इतना समन्वय है? क्योंकि कुछ जगह पर लोगों ने कहा कि नहरें उतनी साफ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। देखो, आप हर गार्ड पे चले जाओ, खुद वहाँ देखो कि सफाई है कि नहीं है। दो, इसकी सफाई का इरिगेशन का काम है लेकिन जीएमसी ने किया है। हम ये नहीं देखते किसका काम है, हम ये देखते हैं हमें करना है और हम वो कर रहे हैं। आप सभी घाटों में देखो, वहाँ डस्टबिन पड़े होंगे, लोग हमारे खड़े होंगे, उन्होंने अपनी जैकेट्स पहनी होंगी। जिसने काम करना है वो ये नहीं कहता कि किसका काम है, वो सिर्फ काम करता है। तो पहली बार आप देख रहे हो व्यवस्था हमारी बनी है ये, और हमारा काम भी वही है। बाकी जो इरिगेशन वाले हैं वो भी पूरा सहयोग करते हैं। जब हमारा साग का विसर्जन हुआ था तो सब ने सहयोग किया था, तभी तो उसकी सफलता आई थी। और सबसे बड़ी है जनता की सहयोग, वो सभी सहयोगियों से सबसे ऊपर है और जनता ने भी सहयोग किया है। और आज भी देखो कैसे व्यवस्थित तरीके से सभी लोग अपना पर्व मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे मेयर राजेंद्र शर्मा जो कि इस पूरे मेले के बारे में बता रहे थे और ये कह रहे थे कि जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है और हर एक गार्ड पर पर्याप्त सफाई है। और फिलहाल हम आपको मेले की कुछ और तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए यहाँ पर कितने लोग जो है वो इस मेले में शामिल हुए हैं और खुद मेयर भी जो है वो इस मेले में लोगों को मुबारकबाद देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए बाहरी लोग भी इस मेले में शामिल हुए हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगा रखे हैं। देखिए बच्चों के खेलने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मुख्यतः देखने को मिल रही हैं और अलग अलग चीज़ों का लुत्फ जो है वो यहाँ पर इस समय जम्मू के जो स्थानीय लोग हैं और जो बाहरी लोग हैं वो उठा रहे हैं। और विशेषकर ये मेला जो है बहुत से लोगों के लिए एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, लोग अपना सामान यहाँ पर बेचते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? बख्शीनगर से। अच्छा, यहीं के लोकल हो, तो क्या आज कुछ सेल हो रही है? अभी तो नॉर्मली है, हो गई थोड़ी देर तक, कोई 3-4 बजे के। बैसाखी मेला कितना ज़्यादा महत्व रखता है आपके लिए इस प्रकार की सेल के लिए? सेल के लिए तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो क्या हर साल लगाते हो स्टॉल यहाँ पर? हाँ, हर साल, हर साल। तो यहाँ पर देखिए हर साल लोग जो है वो अपना यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, महिलाएँ विशेषकर देखिए यहाँ पर खरीदारी जो है वो करती हुई दिख रही हैं। और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं, जो गहने हैं, उनकी यहाँ पर दुकानें सजती हैं और अलग अलग
चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले में रखी जाती हैं ताकि लोग जो है वो यहाँ पर आएँ और अपने मनपसंद चीज़ों की खरीदारी करें। मेले में अक्सर ये होता है कि जो भी सामान मिलता है उसके दाम जो हैं वो बाज़ार के मुकाबले कम होते हैं, और इन्हीं दामों की वजह से और दूसरा इनका जो डिस्प्ले होता है वो एक अलग अंदाज में होता है। तो एक बड़ी मैं ये कहूँगा कि मार्केट जो है वो लगाई जाती है इस कैनाल रोड पर बैसाखी मेले के उपलक्ष पर, और यहाँ देखिए जो खाने पीने का सामान है उसका भी लुत्फ जो है वो लोग यहाँ पर लेते हुए आगे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। इसके अलावा पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी देखिए यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था या कोई भी इस प्रकार की हलचल या गतिविधि यहाँ पर ना हो, स्थिति पर नियंत्रण रखा जाए। तो मेले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो इस समय लोगों की पहुँचती हुई, फिलहाल अभी 12:30 बजे का समय है, आगे जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा तो क्राउड भी बढ़ता जाएगा। और ये देखिए मिट्टी के बर्तन विशेषकर जो है वो इस बार यहाँ पर लाए गए हैं, और आइए इनसे ज़रा बात करते हैं। आप कहाँ से हैं, लोकल हैं बाहर के? ग्रोटेज है। कहाँ से? ग्रोटेज से। तो सेल हो रही है बर्तनों की? हाँ हो रही है। सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं लोग? कुनिया भी खरीद रहे हैं, वो गले भी ले रहे हैं, हीटर भी ले रहे हैं, मड़के भी ले रहे हैं, हाँ सभी ले रहे हैं। तो आप हर साल लगाते हैं मेले पे स्टॉल या पहली बार? हर साल। तो पूरा साल इंतजार करते होंगे इस मौके? काट से काट भी 50 साल हो जाते थे। 50 साल हो गया। देखिए यहाँ पर इनको 50 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर इसी प्रकार से स्टॉल लगाते हुए। यहाँ पर देखिए ईटेबल्स खाने पीने का सामान जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। तो मेला जो है वो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ऐतिहासिक मेला रहता है। यहाँ पर देखिए लोग नहाने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, साथ में बिल्कुल ये घाट बनाया गया है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर जो है, इसके अलावा इरीगेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर जो है वो घाटों की सफाई की है ताकि मेले में जो कोई भी आए उसे पूरा लुत्फ मिले, उसे पूरा आनंद मिले। तो मेला जो है वो कैनाल रोड पर इस समय शुरू हो चुका है, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू हो चुकी है, और विभिन्न प्रकार के जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और यदि आप भी इस मेले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अपने घरों से निकलिए और यहाँ कैनाल रोड पर पहुँचिए, क्योंकि यहाँ पर एक आकर्षक मेला जिसमें कि एक बड़ी खूबसूरत सी मार्केट सजाई गई है वो आपका इंतज़ार कर रही है। नमस्कार।